welcome to ACS, your education mentor. Mission NEET 2019. हमारे नेशन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का अगर हम 1% निकालते हैं तो होता है 14 लाख रुपये। यही 14 लाख स्टूडेंट यानी कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन का स्टूडेंट हमारा नीट के फॉर्म को फिल करता है। अगर आप सही से ध्यान से डाटा को देखते हो, धीमे धीमे टाइम के साथ कभी 8 लाख थे, फिर 9 लाख, फिर 10 लाख, 11 लाख, ये कंपटीशन आपका टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। लगभग 14 लाख स्टूडेंट नीट के एग्जाम में बैठेगा। इन 14 लाख बच्चों में कितने को मिलेगी सीट 2019 में MBBS के अंदर, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन का। और कौन से वो बच्चे होंगे जिनको सीट मिलेगी, क्या क्या करना होगा उन बच्चों को वो सीट मिलेगी, क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम 14 लाख स्टूडेंट्स हैं, टेंटेटिव थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक रॉ डाटा लिया है इसमें हमने, लाइक डेट कुड बी 13 लाख स्टूडेंट ऑल्सो, डेट कुड बी 14.5 स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट लगभग अगर हम टेंटेटिव डाटा लेते हैं तो लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर और हम इंडिया में ध्यान से देखते हैं MBBS की सीट कितनी है, अगर हम नीट की सारी सीट्स को देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर की सीट्स को, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स को, और नीट के अलावा जो दो और ऑटोनॉमस बॉडी हैं जो कि आपका जिपमार और एम्स है, इन तीनों की सीट का अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे इंडिया में लगभग जो सीट्स आती हैं वो 65,000 सीट्स हैं। सीट्स हर साल कुछ कम होती रहती हैं, कुछ बढ़ती रहती हैं। जो कॉलेजेस अपने सही तरह से पैरामीटर्स पर नहीं आते हैं, MCI उनकी सीटों को कम कर लेता है, और काफ़ी कॉलेजेस हर साल नए खुलते रहते हैं। तो एक एवरेज डाटा अगर हम निकालते हैं तो लगभग इंडिया में सारे सेक्टर को मिला के 65,000 सीटें। अगर हम 14 लाख का 10% निकालते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 1,40,000, यानी कि 10% स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे जिनको सीट मिलेगी। और 14 लाख का अगर हम 5% लेते हैं तो आ जाता है 70,000, यानी कि 5% से कम ही बच्चे होंगे जिनको MBBS में सीट मिलेगी, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है इस कैलकुलेशन के अनुसार। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की सीटों को उठा के देखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम एम, जिपमार और नीट के अंदर की सीटों को उठा के देखते हैं तो लगभग आपकी 25,000 सीटें हैं, 25,000 सीट्स हैं हमारे इंडिया, हमारे नेशन के अंदर, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है। तो अगर हम इस पूरे डाटा का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो डाटा आता है यानी कि 2% से भी कम बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी, यानी कि 25,000 सीटें हैं, 14 लाख बच्चा है, यानी कि वो जो बेस्ट फाइटर्स होंगे, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं को बेस्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2% से कम सीट्स रहेंगी, और अगर हम सारी सीट्स को, प्राइवेट लॉबी की भी सीट्स को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो 5% से कम बच्चे होंगे जिनको ये कॉलेज मिलेगा। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन, कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ से आप इस कॉम्पिटिशन को एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है ये कॉम्पिटिशन। अब समझने की कोशिश करेंगे कि किनको सीट्स मिलेगी और किसको सीट नहीं मिलेगी। अगर हम कुछ क्वेश्चंस का को देखते हैं कि लो फीस के कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, पुराने से पुराने कॉलेज चाहिए, एम्स में सीट चाहिए, जिपमार में सीट चाहिए, गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस जो हैं जिसमें सीट चाहिए, ये हो गई बेस्ट डिमांड। अगर किसी भी स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि इनमें से कुछ चाहिए तो सब अपना हाथ उठाएंगे कि हाँ मुझे एम्स में, जिपमार में, टॉप कॉलेजेस में सीट चाहिए। लेकिन ये जो कुछ लाइनें आपके सामने बोली, ये क्या है, ये बेस्ट पॉइंट है, यानी कि अगर इसमें सीट चाहिए तो कौन ले सकता है, बेस्ट मिलता है सिर्फ बेस्ट को, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सो जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे इन 14 लाख बच्चों में वही फिल्टर होंगे, वही छाटे जाएंगे। सो अभी आपके पास जो टाइम है वो इन 14 लाख बच्चों के लिए सबके पास सेम टाइम है, किसी के पास पार्शियलिटी नहीं, किसी के पास 1 महीने का ज़्यादा का टाइम है या किसी के पास 1 दिन का ज़्यादा का टाइम है। तो ये जो आपका टाइम है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यही आपकी रिसोर्स है, यही आपकी ऊर्जा है, यही आपकी एनर्जी है। नवंबर का मंथ ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका 26 नवंबर को, तो नवंबर का मंथ ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। यहाँ से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई में आपका एग्जाम है, यू ऑल हैव गॉट अराउंड 5 मंथ्स, तो ये 5 मंथ्स जो है ये आपकी एनर्जी है इसमें, और आप क्या हो, आप इस एनर्जी के ड्राइवर हो, आप जैसे चाहोगे इस एनर्जी को यूज कर सकते हो, यू हैव गॉट फुल फ्रीडम, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप जैसे चाहो इस एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, चाहे जैसे चाहो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। डेली आपके पास 24 घंटे हैं, वीकली आपके पास 7 दिन है, मंथली आपके पास 30 डेज है ऑलमोस्ट, और अगर हम टोटल कैलकुलेशन में देखते हैं 5 मंथ्स में, तो 5 मंथ्स में हम सबके पास अगर कैलकुलेट करते हैं तो 150 दिन है, तो ये 150 दिन ही आपके पास आपकी ताकत है, आपकी एनर्जी है, और आप ही इसके ड्राइवर हो। आप जैसे इसको बनाओगे, जो जो करोगे वैसे आपको मिलेगा। अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो, मैराथन होता है, मैराथन में हर साल हजारों लोग भागते हैं, कौन बेस्ट आता है? जो लगातार भागता रहता है, जो ज्यादा तेज भी नहीं भागता है, जो ज्यादा स्लो भी नहीं भागता है, बट कॉन्टिन्यूस भागता रहता है, दौड़ता रहता है एक स्पीड से, वही जीतते हैं। आप ट्रेन से सफर करते होगे, हजारों ट्रेन चलती है हमारे इंडिया के अंदर, कौन सी ट्रेन जो लगातार चल रही है, जो कम से कम इनपुट ले रही हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, वही जीतते हैं। तो ये सब कुछ नेचर के नियम है जो सभी के साथ अप्लाई होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसमें से ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत से वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं उन 2% स्टूडेंट्स की, तो वो शायद इस समय कुछ सीख रहे होंगे कहीं ना कहीं, अपने कोचिंग में, अपनी बुक में, अपने घर में, कहीं भी बैठ कर किसी भी फॉर्म में कुछ सीख रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, बिकॉज जैसे हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये टाइम ही आपकी एनर्जी है, आप उसको चाहे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कितना कट ऑफ होगा इस साल, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है, कैसे क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी हमारी नहीं होनी चाहिए, कौन से टीचर के पास हम जाए पढ़ने के लिए, कौन सा हम यूट्यूब चैनल देखें, कौन सी बेस्ट कोचिंग को हम सर्च करें, विच इज द बेस्ट बुक। देखिए, अगर आप सिंपल से देखते हो, इंटरनेट के ऊपर आप जाते हो, यूट्यूब के ऊपर जाते हो, गूगल के पास जाते हो, जो बेसिक कंटेंट है, एग्जाम की डेट आ गई, डेट इज श्योर सबके पास है, नीट का फॉर्म आ गया, काफी लोगों ने भर लिया होगा, जिन्होंने नहीं फिल किया वो रिमेनिंग 2-4 दिन में वो भी फिल कर लेंगे, ये सबके पास है। सिलेबस आपका आ गया, वो सबके पास है। बेसिक जो एजुकेशन मटेरियल होता है, जो बुक होता है, वो सभी आपके पास है। अब क्या नहीं है आपके पास, बस पढ़ने वाला बंदा जो है वो मिसिंग हो रहा है, और वो पढ़ रहा है उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर जो पढ़ने के बाद वाला जो स्टेप होता है सीखने वाला बंदा, वो मिसिंग है, जो ड्राइवर है वो मिसिंग है, बाकी सब कुछ है। सो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, जैसे आपको इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना है। जो भी चीज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वही चीज लाइफ में होती है। नशा, लाइक नशा को लाइक आप ड्रिंक्स से मत जोड़िए, नशे का एक जो मीनिंग होती है, जो प्योर मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है कि जो चीज छा जाए, जिसके बाद लाइक जिसकी खुमारी छा जाए, जिसके बाद कोई चीज दिखाई ना दे, तो जिस चीज का नशा आपके ऊपर सबसे ज्यादा छाया होगा वही चीज मिलेगी। बहुत से बच्चे हैं जो अभी भटक रहे हैं, जिनका फोकस नहीं है, उनको बहुत कुछ अच्छा लगता है, बातें करने भी अच्छी लगती हैं, दोस्त भी अच्छे लगते हैं, फैमिली भी अच्छी लगती है, पढ़ाई भी अच्छी लगती है, सेल्फी खींचना भी अच्छा लगता है, और बहुत सी अपनी अपनी पर्सनल चीजें बहुत सी अच्छी लगती हैं। बट अगर बहुत सी चीज जिनको अच्छी लगती है, क्या वो इस 2% या 5% की रेस में आ पाएंगे? शायद नहीं आ पाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल मैटर ऑफ फोकस। सब कुछ डिपेंड करता है फोकस के ऊपर, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अगर हम हिंदी में समझते हैं तो होता है गहराई, रूट में जाना, जड़ में जाना, कितनी गहराई में आप जा रहे हो। बिकॉज ये जो आपका पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप को आंसर करने के लिए यू हैव टू बी अ डीप नॉलेज इन योर सेक्टर। बहुत ही गहराई से आपको इस चीज को समझ में आना चाहिए, बहुत ही डीपली समझ में आना चाहिए। और डीपली का अगर आप सही से देखते हो, थोड़ा सा इसको और लाइट डालते हैं, क्या होता है ये वर्ड डीपली, इंटेंसिटी और ये सब चीजें, नशा वशा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर अपने नेचर को आपने देखा होगा, अगर हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो ओशियंस में सबसे ज्यादा वाटर होता है, समुंदर में सबसे ज्यादा पानी होता है, तो जो पल्स होते हैं, जो मोती होते हैं, सबसे डीप में रहते हैं, उसके बेस में रहते हैं, ऊपर की लेयर्स में कुछ भी नहीं मिलता है। जो सबसे डीप ड्राइवर्स होते हैं उन्हीं को पल्स मिल पाता है।
अगर आप माउंटेन्स की बात करते हो, रॉक में बात करते हो, तो सबसे इंटेंसिटी में, सबसे गहराई में, सबसे जड़ में, सबसे रूट में अगर जाते हो तो जाके आपको डायमंड्स मिलते हैं। वैसे जमीन में देखते हो तो सबसे बेस में जाओगे तो आपको सोना मिलेगा, या कोई भी गड्ढा हो जितना ज्यादा उसको खोदोगे, जितना नीचे डीप में जाओगे उतना साफ पानी मिलेगा, ऊपर का पानी गंदा होता है। वैसे ही अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसको अपने सेक्टर में बेस्ट बनना है, बेस्ट नॉलेज चाहिए, तो अपने सब्जेक्ट को जितना ज्यादा वो सीखेगा, पढ़ना तो पहला स्टेप होता है, पढ़ने पे मत फंस जाइए, पढ़ तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन हर बंदा जो पढ़ रहा है वो शायद इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पढ़ने के बाद वाला जो स्टेप है सीखना, सीखने पे जो जो जोर डाल रहा है, लर्निंग के ऊपर कैप्चर क्या कर रहा है वो, क्योंकि जो आपने सीख लिया वो आपका हमेशा के लिए हो गया, फिर वो आपसे जा नहीं सकता है, ठीक है, वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, वो आपकी मेहनत से आपने कमाया। सो टू अर्न अ बेस्ट यू हैव टू योर बेस्ट, यही एक सिंपल सा नेचर का नियम है। तराजू दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, चाहिए सबको बेस्ट, लेकिन सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज योर टाइम, आप पूरी तरह से फ्री हो, तो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग बाय दिस क्वेश्चन, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन खराब है, कौन सा टीचर क्या है, आप देखो अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो, अगर इसी टाइम को आप डाल दो सीखने के ऊपर तो बेटर हो जाएगा आपको। अगर जब तक आप अच्छे टीचर नहीं हो, सॉरी, जब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपको अच्छा टीचर नहीं मिल सकता। एक अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट को ही मिल सकता है, बिकॉज अच्छा स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होती है, वो सीखने के लिए पागल होता है, वो टीचर को परेशान करता है, सर इसका बताओ ना, सर इसको समझाओ ना, ऐसा है तो ये क्यों है, ऐसा है क्यों है। जब तक टीचर को पढ़ना ना पड़ जाए आपके चक्कर में, तब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। सो वो एक लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए। इसमें से बहुत से इस रेस में ऐसे बच्चे हैं जो लाइक 50% में भी नहीं आ पाते, जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे, वो बाहरी रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जाके देखते हो तो 5% ही बच्चे टॉप में आएंगे। सो इस टाइम को आप बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करो। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, अगर आपको कोई बाहर वाला बंदा समझाएगा तो नहीं समझ में आ सकता है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये फैक्ट है। मैं समझाऊं, आपकी फैमिली मेंबर्स समझाए, टीचर समझाए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर समझाए, नहीं समझ में आएगा। कितने मोटिवेशनल वीडियोस आपने देख रखे हैं आज से पहले, क्या आप रियली मोटिवेट होते हो? 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आपकी पल्स ऊपर जाती है, 10 मिनट की किसी की, 1 महीने, 1 दिन के लिए पल्स ऊपर जाती है, फिर रेगुलर में आ जाती है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को खुद से समझाना शुरू करोगे, उस दिन से आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आज सुबह से हो गई, शाम हो गई, आज मैंने क्या किया, आज मैंने इस दिन को कैसे यूज किया, कितना टाइम मैंने यूटिलाइज किया और कितना टाइम मैंने वेस्ट किया। जिस दिन से अगर आप ये करने लगे कि खुद से क्वेश्चन करने लगे, खुद को वॉच करने लगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लाइक आज का दिन तो निकल गया, आज के दिन क्या मैं कुछ सीख पाया, कि आज भी मैं भटकता रह गया, आज भी कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठा था या कुछ ऐसी टॉपिक से बात कर रहा था जिससे मजा तो मिला लाइफ में, बट जो मेन हमारा जो लक्ष्य था, जो मेन मेरा जो विजन था, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। सो 150 दिन में 1 दिन और माइनस, कौन जिम्मेदार है इसका, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उस दिन से आप दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगा पाओगे कि लाइक इस टीचर की गलती वजह से मैं फेल हो गया, मैं बीमार हो गया तो फेल हो गया, क्वेश्चन पेपर टफ आया तो मैं फेल हो गया, फिजिक्स आ गई टफ तो फेल हो गया। ये कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं कि लाइक पेपर टफ था, फिजिक्स कम थी, जो कम सीखते हैं, जो सीखने में मजा नहीं लेते हैं, और जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वो तो बोलता है लाइक पेपर को बढ़िया बनाओ। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं कट ऑफ जानना, कट ऑफ कौन लोग पूछते हैं, वो लोग पूछते हैं जिनको अंदर एक डर रहता है, क्या मिनिमम नंबर लिया है बस कि हमको कॉलेज मिल जाए। आप क्या कर रहे हो, अपना टारगेट खुद ही आप छोटा कर रहे हो, आप अपने आप को खुद ही छोटा करो। अगर आप ध्यान से देखो तो आप मिनिमम की बात कर रहे हो, आपको मैक्सिमम पूछना चाहिए। आप कट ऑफ पूछ रहे हो कि यूपी में क्या कट ऑफ रहती है, 535 पे सीट मिल जाती है सर, 535 तो लास्ट स्कोर था जिसपे सीट मिली थी, आप टॉप की बात कर क्यों नहीं करते हो कि 650 से स्टार्ट हुआ था, वो 650 छोड़ के आप लास्ट को पकड़ लो। आप राजस्थान की बात करते हो कि राजस्थान का कितना कट ऑफ था सर नीट में, 545 का कट ऑफ था, 545 क्या है, 545 तो लास्ट स्कोर है जिसपे खत्म हो रहा है, आप 600 की बात क्यों नहीं कर रहे हो, 650 की क्यों बात नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को बढ़ा क्यों नहीं रहो, अपनी लिमिट्स के बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। जो अपनी लिमिट्स को पुशअप करता है, जो अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है, वही कुछ बड़ा कर पाता है। तो इस वीडियो को वो लोग मत देखो, आपका टाइम वेस्ट होगा, जिनको बहुत सी मस्ती करनी है लाइफ में। ये वीडियो सिर्फ इनके लिए जो बेस्ट वाकई डिजर्व करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप एक नॉर्मल से स्कूल लिया होगे, आपको फीस के दम पे सीट मिल जाएगी।
बट रियली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में सीट चाहे तो सो योर टाइम इज योर एनर्जी एंड यू आर द ड्राइवर ऑफ योर टाइम। आप जैसे अपना टाइम को यूटिलाइज करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप शाम को अपने आप से पूछो, देखो आज मैंने 2 दिन वेस्ट कर दिया, आज मैंने क्या सीखा, कुछ एड ऑन हुआ क्या? आप सोचो कि जल्दी जल्दी ये पढ़ लूँ कि वो पढ़ लूँ, ये कर लूँ कि वो कर लूँ, क्या कर रहे हो आप? यू आर जस्ट लाइक आप भाग रहे हो इधर से उधर। आप फोकस करो, एक चीज को पढ़ रहा हूँ तो इसको कंप्लीट कर लूँ। और देखो आप लोग इतने लोग वीडियोस देखते हो, मैं दोस्तों बहुत से वीडियोस देखते हो, बहुत से चैनल्स पे जाते हो, बहुत से मेंटर्स को सुनते होगे, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं। स्ट्रेटजी तो एक बहाना है, कोई रूल नहीं होता है सक्सेस का। सक्सेस जिसको पाना होता है वो एक दीवानी होती कि भाई वो मेरा लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, रास्ता चाहे फिर कुछ भी हो। बिकॉज इस वीडियो को लाइक अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं, 10,000 बच्चे देख रहे हैं, 1,00,000 बच्चे देख रहे हैं, तो एक लक्ष्य सबका एक है लेकिन रास्ते सबके अलग होंगे। तो रूल्स में अपने आप को कभी मत बांधो, वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड जाना है आपको। टारगेट आपका वो है टॉप, 720 नंबर का पेपर हो रहा है, 650 के लिए खेलो, 700 के लिए प्ले करो, 720 में टॉप सोचो। अगर बड़ा सोचने हैं तो टुकड़ों में क्यों सोच रहे हो, टॉप का सोच लो कि 720 का पेपर है तो 720 का मौका है हमारे पास। 720 नहीं आएंगे, 720 के बारे में सोचोगे तो कम से कम 600 आएंगे। अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर अभी से आप मिनिमम के बारे में सोचो कि 540 आ जाए तो क्या 540 आ जाएंगे? तब तो आप 400 भी रुक जाओगे। बिकॉज अभी जो आप मौका टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो अपनी कोचिंग सेंटर में, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन कितने लोगों से, 1000 बच्चों से होगा, 500 से होगा, 5000 बच्चों से होगा, 10,000 बच्चों से होगा। बट जब आप मेन गेम खेलने आओगे 5 तारीख को, 5 मई को, तो पूरे इंडिया से आपका कॉम्पिटिशन होगा, बड़ा गेम होगा। तो बड़ा सोचो, बड़ा प्ले करो, खुद का टेस्ट लो, खुद से पूछो, खुद से लड़ाई करो। ये आपकी लड़ाई है खुद से, अपने आप से, कोई बाहर का बंदा समझा नहीं सकता है। और जिसने इस वीडियो को समझ लिया, हर बंदा इस वीडियो को नहीं समझ सकता है, वो ये जीत जाएगा। जो नहीं समझ पाया वो बाहर हो जाएगा, जैसे हर साल होते हैं। तो एज ए एजुकेशन मेंटर मेरी पूरी कोशिश है और पूरी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोग जीत जाओ, लेकिन मेरी कोशिश में तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आप एक डॉक्टर बनते हो, आप डॉक्टर में क्या कर सकते हो कि एक पेशेंट को अच्छे से अच्छी मेडिसिन लिख के दे दोगे, लेकिन मेडिसिन को खरीदना, उसको रेगुलर टाइम पे खाना, ये तो पेशेंट का काम। अगर पेशेंट उसको सही से नहीं करेगा तो वो कभी सही नहीं हो सकता। चाहे इतना बड़ा उसको डॉक्टर लिया, एम्स का डॉक्टर लिया, या चाहे ऑक्सफर्ड का डॉक्टर लिया, चाहे कैम्ब्रिज का डॉक्टर लिया, वो पेशेंट नहीं सही हो पाएगा जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करेगा। आप किसी जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, अच्छा से अच्छा कोच मिल गया, अच्छे से अच्छा जिम मिल गया, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन नहीं, 4 दिन किया थक गए, तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाओगे। तो फाइनल जो कंज्यूमर है वो तो आप ही हो। तो अपने आप के खुद से टेस्ट लो, खुद से अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप को शर्म करो, अपने आप को लाइक फील द गिल्टी ऑन योर सेल्फ कि क्या कर रहा हूँ मैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ बाकी चीज़ें, इससे क्या मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है? तो आपको समझ में आएगा यार मैं तो अपना 90% चीज़ें में तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें आप फंस गए हो, ये सब आपकी आदतें बन गई हैं। यू हैव गॉट बीन एडिक्टेड विद ऑल दिस थिंग। जो भी बंदे बन गया, जो भी चीज़ कर रहे हैं, कोई सेल्फी खींच के कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में आप लोग कर रहे हो, आप क्या हो? इनके कंज्यूमर हो। इससे आप उन लोगों को फायदा हो रहा है, आपको क्या फायदा मिल रहा है? तो जैसे फंसे हो वैसे ही वापस आओगे, एक दिन में तो नहीं सुधर पाओगे आप लोग, बिकॉज ये तो सालों की आदतें हैं आपकी, तो इनमें फंसने में साल लग गए। तो इसके बारे में अगर जैसे ही आपने सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपको अपने ऊपर शर्म आनी शुरू हो गई, तो वैसे वैसे कुछ ना कुछ छूटता जाएगा। कोई 10 सुट्टे मार रहा है तो 9 पे आ जाएगा, ऐसे ही धीमे धीमे कर देगा, एक दिन में नहीं छूट पाएगा। कोई फोन में 8 घंटे का टाइम वेस्ट कर रहा है तो 6.5 घंटे का करेगा, फिर 5 घंटे का करेगा। कोई भी चीज में चक्रव्यूह में जैसे फंसते हैं उससे वैसे ही वापस निकला जा सकता है। बाकी तो हमारा सिर्फ इमेजिनेशन है, इल्यूजन है जिसको बोलते हैं, एक तरह का भ्रम है जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, बट लाइक अगर हमको कोई नदी को पार करना है तो या तो हम तैर के उसको पार कर सकते हैं या तो बोट से पार कर सकते हैं, यानी कि किसी तरह से हमको मेहनत करनी है, लेकिन केवल सोचने से हम कभी उसको पार नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ ड्रीम्स हो जाएगा। या कोई प्रेयर करके भी हम पार नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में अगर हम प्रेयर भी कर रहे हैं तो अभी हम प्रेयर करके भी नहीं, ये हकीकत तो यही है कि उस नदी को पार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसने भी बोला है कि लाइक सक्सेस का तो एक ही फॉर्मूला है, मेहनत करो, बिल्कुल सही बोला है, बिकॉज इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक आपको और इसमें ऐड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन योरसेल्फ, डेली क्वेश्चन करो अपने सामने, कुछ भी करो, उसके बाद पूछो मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक मूवी भी देख रहा हूँ, ठीक है क्या हुआ इस मूवी से,
क्या इससे मुझे 4 नंबर भी मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, तो कम से कम लाइक अगले 5 महीने में 10 मूवी देख रहे हैं तो आप देखो। इससे मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक कोई भी चीज को आप छोड़ दो, छोड़ना गलत रहेगा, लाइफ नहीं छोड़ देनी है आपको, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसका जो मैंने वर्ड यूज किया था नशा, उसका मतलब इंग्लिश में अगर बोलते तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आपके पास सिर्फ नीड का होना चाहिए, नशा सिर्फ नीड का होना चाहिए, आपके लक्ष्य का होना चाहिए। और जिस जो बंदा ये बात समझ गया वो नींद में भी इसी के सपने देखेगा। ये चीज होती है इंटेंसिटी और ये चीज होती है इम्पैक्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, यही एक सिंपल सा कैलकुलेशन था। आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबके पास इक्वल टाइम है, कोई जिसको जैसा यूटिलाइज करेगा वैसा मिलेगा। हर बंदे से गवर्नमेंट नहीं होता है, कुछ लोग प्राइवेट के बारे में सोच रहे होंगे कि मुझे 200 नंबर भी मिल जाए तो मैं प्राइवेट मार लूँ। तो 200 नंबर के लिए मेहनत करो ना, फिर 200 नंबर का स्ट्रेटजी बनाओ ना, फिर काहे 600 का सोच रहे हो। तो 200 नंबर चाहिए तो 400 के बारे में सोचो, देखो दूसरों की बातें मत सोचो, बिकॉज ये डर आपके अंदर से नहीं निकलता, डर आप खींच लेते हो, आपके अंदर थोड़ा सा डर है, वो मैग्नेटिक पावर है, बाहर जहां जहां से डर मिलेगा आपको सोच लोगे। आप हो सकता है फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको आपने दुनिया से सुन रखा है कि फिजिक्स तो टफ होती है, इसलिए कभी आप फिजिक्स को देखोगे नहीं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो दुनिया से कुछ अलग करना है तो दुनिया को छोड़ना है, दुनिया नहीं बन जाना है, दुनिया की भाषा में बात नहीं करना है। दुनिया को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, जाके पहाड़ के ऊपर बैठ गए। दुनिया का मतलब हो गया कि दुनिया में रह के भी दुनिया नहीं बन पाया, यानी कि रहे सबसे, बात सबसे किया, लेकिन नशा, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, जितने वर्ड लगाने यहाँ पे लगा लो, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, बस आप समझ जाओ किसी भी तरीके से। बिकॉज मेरे अंदर क्या है, जो मेरी एनर्जीज बोल रही है वो आप तक कैसे मैं पहुंचाऊंगा, अपनी इन वर्ड इन अल्फाजों से थ्रू पहुंचाऊंगा। सभी यही चाहते हैं कि आप करो, बट सबके चाहने से नहीं हो पाएगा ये, सिर्फ जब तक आप नहीं चाहोगे। आप रूट में जाके देखो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, फॉर द फेम, फॉर द मनी? तो फेम और मनी के पीछे भागो तो फेम और मनी तो बहुत जगह है, इसलिए तो आप बहुत जगह देख रहे हो। रूट को ही सही करो, अपनी जड़ को ही सही करो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर से पैसा आता है, कमाई होती है, सलाम होता है, फेम मिलता है, दैट इज एडिशनल थिंग। और जिस दिन ये समझ गए, जिस भी फील्ड में आप बेस्ट बन गए, ये सब तो पीछे से ऐसे ही आएगा आपके पास, मनी, फेम, ऑल दिस थिंग, वो तो पीछे पीछे आपको फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के अंदर ये गट्स है बिकॉज यू ऑल आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस ये सब चीज बॉन्ड लेके पैदा होता है। बट होता क्या चीज है एक्चुअली ना, कि लाइक स्लोप की तरफ, ढलान की तरफ जाना बहुत आसान होता है, और ज्यादातर जनता जो है 99% जनता नीचे ढलान की तरफ जाती है, लेकिन चढ़ाई करना मेहनत लगती है इसके ऊपर। तो ये चढ़ाई करनी है आप लोगों को, ऊपर की तरफ जाना है ऐसे, तो उसमें मेहनत लगती है, खुद से लड़ाई होती है, पसीने छूट जाते हैं। तो ये चढ़ाई करो ऊपर की तरफ और बिल्कुल निकलेगा नहीं। क्वेश्चन करो अपने आप से, वीडियो को देखो, बार बार देखो, कोई दोस्त अच्छा हो जिसको आप सिखाना चाहे तो उसको भी भेजो ये वीडियो, उसको भी दिखाओ, लेकिन कुछ सीख जाओ इससे, कुछ इस बार लाइक अब दोबारा मोटिवेशनल वीडियो देखना ना पड़े। बिकॉज कितनी बार देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। ठीक है, अब हम कोई पानी है, पानी मुझे पीना है, आप कोई पानी में सामने रख दिया, कोई बोल रहा है इसका ये लाइक ये फॉर्मूला होता है H2O होता है, कोई बोल रहा है इसका नीर होता है, कोई बोल रहा है इसको वाटर बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। अब जिसको प्यास लगी वो तो कह रहा है बकवास, ये सब छोड़ो, मुझे पानी पिलाओ, तभी तो मेरी प्यास बुझेगी। तो मेहनत करो, मेहनत से ही प्यास बुझेगी, और कुछ नहीं। जानो नहीं, जानने से आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक टाइम से पता चल जाएगी, एडिशनल चीज़ें। तो ये सब बहाना है कि, और इस बार लाइक नीट के एग्जाम के बाद लाइक बहाना मत देना किसी को कि इसकी वजह से हम फेल हो गए थे, वजह डालनी तो खुद पे डाल देना कि लाइक मैंने मेहनत नहीं करी थी इसलिए मैं फेल हो गया था। और जिस दिन आपने ये बोलना सीख लिया उस दिन से आप ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस भी बताते रहेंगे और आपकी पूरी काउंसलिंग करते रहेंगे। बट ये जंग आपकी है, आप ही जीत सकते हो, बाकी लोग आपकी बाहर से हेल्प कर सकते हैं। तो आप अपनी सुनो, खुद से सवाल करो, खुद को देखो कि कितने पानी के अंदर, क्या वाकई मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत करो, और लक्ष्य तक पहुंचना है, रास्ता कोई भी हो तो सबकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है, आपकी खुद की स्ट्रेटजी बनेगी जिस दिन से आप बनाओगे। अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, हर की आप प्रिपरेशन अलग है। कोई बंदा ऑलरेडी पढ़ के आया है, वो 50% रेस आगे भाग चुका है, आधी मैराथन वो जीत चुका है, और आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो। कोई 20% पे खड़ा है, कोई 30% पे खड़ा है, कोई 60% पे खड़ा है, कोई 0 पे खड़ा है, सबकी पोजिशन अलग अलग है इस रेस में। सो आप देखो कहाँ पे हो, और गवर्नमेंट ही चाहिए इस बार, अगर इस चीज़ की भी टेंशन मत लेना कि गवर्नमेंट ही चाहिए और कहीं जा नहीं सकते हो, मेरी प्रिपरेशन 0, कोई बात नहीं, 2020 के लिए खेलो, लेकिन प्रॉपर खेलो ईमानदारी। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं,
आगे मिलेंगे और भी वीडियो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और अपने साथ क्वेश्चन जरूर करते रहना तभी जीतोगे दोस्तों। थैंक यू।